आज आज जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है या मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार हमने आज सिंचाई विभाग है, हमारे अन्य विभाग हैं, उन सभी विभागों को कहा है कि उसके तहत ही सब तैयारियों को अपना जो है आगे बढ़ाएं। हर साल बड़ी यात्रा, चारधाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, वो चारधाम यात्रा की आज समीक्षा की है उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी ना हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं, और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है, और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लाया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें, और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जो जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही प्रदेश में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए तमाम आला अधिकारियों को मौके पर रवाना कर दिया गया है, क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी वनाग्नि लगातार जारी है, जिससे वन संपदा लगातार जलकर खाक हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित अपने सभागार में तमाम अधिकारियों से बैठक कर उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में चारधाम यात्रा में कोई भी परेशानी यात्रियों को ना हो, साथ ही प्रदेश में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।